गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ट्वेल्थ क्लास एक्सरसाइज जो 4.6 चली हुई है उसका क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो ये 7 to 14 तक मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हमें सॉल्व करने थे। तो देखो उसी टाइप से उसी तरह से ये भी होगा। तो कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। हियर या वेयर एक्स ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 2, 3, 3, 1, -2, 1, 3, -1, -2, ये आपकी ए मैट्रिक्स हो गई। x मैट्रिक्स वेरिएबल में x, y, z और b मैट्रिक्स 5, -4, 3। अब हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लेंगे। मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट आर वन के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं 2, तो ये छोड़ने के बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए 2, 2 जा 4 प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में 1 हो जाएगा, फिर प्लस फिर माइनस, तो 3 ये छोड़ने के बाद तो -2, -3 फिर क्या आएगा प्लस में 3 छोड़ देंगे ये रो कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये -1 और प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये आपके पास बचा 5, 2 जा 10 -5 into -3 + 15 5 into 3 = 15 तो कितना आ गया 40 आ गया। 40 क्या नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या चाहिएगा, एडजॉइंट चाहिएगा। एडजॉइंट के लिए फिर क्या चाहिए, कोफैक्टर्स आर निकाल लेते a11। तो देखो 2 का कोफैक्टर क्या बनेगा, बाहर क्या आएगा प्लस लिख लेंगे छोड़ने पे 2, 2 जा 4 प्लस में 1, 4 प्लस में 1 तो क्या बन गया प्लस में 5। a12 बाहर क्या आएगा माइनस, तो ये छोड़ने पे -2 और -3 तो ये -5 + 5 हो जाएगा। a13 तो इसका निकालेंगे तो ये छोड़ेंगे -1 + 6 बाहर तो प्लस आना है तो ये बना था -1 + 6 तो रोल +5 आ जाएगा। अब a21 निकाल लेते हैं, a21 माना 1 का ये छोड़ देंगे तो -6 + 3 बाहर क्या आएगा माइनस, तो क्या आ रहा था ये a21 का निकाल रहे ना तो -6 + 3 तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। a22 बाहर क्या आना है प्लस आना है तो इसका निकालेंगे ये छोड़ देंगे तो -4 - 9 तो क्या बन गया -13। a23 निकाल लेंगे बाहर माइनस आना है तो 1 का निकाल ये छोड़ने के बाद -2 - 9 तो क्या बन गया +11 बन जाएगा। a31 निकालेंगे तो देखो बाहर प्लस रहेगा
ए थ्री वन का निकालेंगे तो इसका ये छोड़ने के बाद माइनस थ्री प्लस में सिक्स, प्लस थ्री प्लस में सिक्स है ना, प्लस में थ्री और प्लस में ही सिक्स, तो टोटल नाइन हो गया। ए थ्री टू बाहर माइनस आएगा, इसका निकालेंगे तो टू माइनस में थ्री, टू माइनस में थ्री तो क्या बन गया, प्लस का वन बन जाएगा। ए थ्री थ्री बाहर प्लस आएगा, ए थ्री थ्री लास्ट एलिमेंट का तो माइनस फोर माइनस थ्री, माइनस फोर माइनस थ्री तो क्या आ गया, माइनस का सेवन। तो एडजॉइंट निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर लिख लेंगे फाइव फाइव फाइव, थ्री माइनस थर्टीन इलेवन, नाइन वन माइनस सेवन, तो इसका ट्रांसपोज होके क्या बनेगा, फाइव फाइव फाइव, थ्री माइनस थर्टीन इलेवन, नाइन वन माइनस। क्या निकालना हमें, ए इनवर्स चाहिए। पहले ए इनवर्स क्या होगा, वन बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो पुट कर लेंगे इसको। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए फोर्टी था और एडजॉइंट ऑफ ए हमने ये निकाल लिया, तो ये रखने के बाद ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो बाय मैट्रिक्स मेथड तो मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो एक्स तो वेरिएबल है, एक्स वाई जेड ये वेरिएबल में है, ए इनवर्स हमने निकाल लिया वन बाय फोर्टी फाइव थ्री नाइन, फाइव माइनस थर्टीन वन, फाइव इलेवन माइनस सेवन। और बी मैट्रिक्स देख लेते हैं, बी मैट्रिक्स आपके पास ये बी मैट्रिक्स फाइव माइनस फोर थ्री, फाइव माइनस फोर थ्री, तो वन बाय फोर्टी रो की कॉलम के साथ, फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव, फोर थ्री जा माइनस ट्वेल्व, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, थर्टीन फोर जा प्लस के फिफ्टी टू और थ्री वन जा थ्री, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, इलेवन फोर जा फोर्टी फोर, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, तो ये आ गया वन बाय फोर्टी। इनको सिंप्लीफाई कर लो, थर्टीन प्लस प्लस ट्वेंटी सेवन फोर्टी, ट्वेंटी फाइव फिफ्टी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव टू एटीन, ट्वेंटी फाइव यहाँ प्लस के फोर माइनस का फोर्टी, तो यहाँ चल रहे हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और इधर आपके पास 40 से इसको देखो डिवाइड करेंगे, वन टू माइनस वन, कंपेयर करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक्स वन वाई टू और जेड माइनस वन, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14, देखो कथक कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर ए मैट्रिक्स
वन माइनस वन टू थ्री फोर माइनस फाइव टू माइनस वन थ्री। एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड और पी मैट्रिक्स सेवन माइनस फाइव ट्वेल्व। ए मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर लेंगे, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट वन तो फोर थ्री जो ट्वेल्व ये माइनस ही रहेगा माइनस फाइव, फिर माइनस आएगा लेकिन ये प्लस हो जाएगा इसके कारण, तो थ्री थ्री जो नाइन और फाइव टू जो प्लस टेन हो जाएगा, फिर प्लस में टू इंटू तो माइनस थ्री माइनस एट, तो ये आ गया आपके पास यहाँ सेवन फिर नाइनटीन और इलेवन टू जा ट्वेंटी टू, तो ये आ गया आपके पास ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी टू तो फोर आ गया और फोर नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करता है एग्जिस्ट करता है तो एडजॉइंट चाहिएगा, कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर्स आर ए वन वन प्लस आएगा ए वन वन का निकालेंगे तो फोर थ्री जो ट्वेल्व माइनस फाइव, तो ये क्या हो जाएगा ट्वेल्व माइनस में फाइव तो क्या आ गया प्लस सेवन। ए वन टू ए वन टू निकालेंगे माइनस वन का माना तो थ्री थ्री जा नाइन प्लस में टेन, बाहर माइनस थ्री थ्री जा नाइन प्लस में टेन तो क्या बन गया माइनस नाइनटीन बन गया। ए वन थ्री निकाल लेते हैं तो माइनस थ्री माइनस एट, बाहर क्या प्लस तो ये आ गया माइनस थ्री माइनस एट मीन्स माइनस इलेवन आ गया। ए टू वन निकाल लेते हैं ए टू वन, तो ए टू वन सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है तो थ्री माइनस थ्री और प्लस टू, बाहर माइनस तो ये बना था आपके पास माइनस थ्री प्लस में टू, माइनस वन आ गया तो बाहर माइनस से प्लस वन हो जाएगा। ए टू टू तो फोर का निकालेंगे थ्री 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 वन जा थ्री माइनस में फोर, थ्री माइनस में फोर तो क्या आ गया माइनस वन आ गया। और ए टू थ्री निकाल लेंगे ये छोड़ देंगे माइनस वन प्लस में टू, माइनस वन प्लस में टू बाहर तो माइनस रहेगा तो अंदर प्लस वन बाहर माइनस है तो माइनस का वन हो जाएगा। फिर क्या निकाल लेंगे ए थ्री वन निकाल लेते हैं, ए थ्री वन टू का निकालेंगे देखो प्लस फाइव माइनस एट, प्लस फाइव माइनस में एट तो क्या आ गया माइनस थ्री आ गया। ए थ्री टू, ए थ्री टू ये छोड़ देंगे माइनस फाइव माइनस सिक्स, माइनस फाइव माइनस सिक्स तो प्लस इलेवन हो जाएगा। ए थ्री थ्री लास्ट एलिमेंट का तो ये बन गया फोर बन जा फोर प्लस में थ्री, फोर प्लस में थ्री तो ओवरऑल सेवन प्लस, तो क्या करेंगे अब इसमें हम लोग एडजॉइंट निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स वो क्या होगा ट्रांसपोज ऑफ देखो क्या क्या आया सेवन माइनस नाइनटीन माइनस इलेवन
1, -1, -1, -3, 11 and 7। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी 7, -19, -11, 1, -1, -1, -3, 11, 7। तो अब A इनवर्स निकाल लेते हैं। तो A इनवर्स 1/determinant of A, adjoint of A। तो determinant of A तो क्या था आपके पास 4, और adjoint of A हमने ये निकाल लिया, तो ये हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो क्या चाहिए बाय मैट्रिक्स मेथड, X is equal to A inverse B। तो X तो आपके पास XYZ, A inverse 1/4, 7, 1, -3, -19, -1, 11, -11, -1, 7। और B मैट्रिक्स आपके पास ये 7, -5, 12, 7, -5, 12। तो 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे रो की कॉलम के साथ, 7, 7 जा 49, -5, 12, 3 जा 36, 19, 7 जा 133। तो -133 प्लस के 5 और 12 से 11, 2 जा 132। 77 प्लस में 5, 12, 7 जा 84। तो ये आ गया आपके पास 1/4, ये हो गया 41, 49 -41, 8। ये हो गया आपके पास 137, तो ये बच गया प्लस का 4, ये 87 और प्लस 12 आ गया। तो XYZ और ये आपके पास है 4 से डिवाइड कर दो इसको 2, 1, 3। कंपेयर किया तो X 2 आ गया, Y 1 आ गया, Z 3 आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता A मैट्रिक्स, फाइंड A इनवर्स, यूजिंग A इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फिर इसको सोल्व करना है। ये मैट्रिक्स कुछ और नहीं है, यही मैट्रिक्स ही बनेगी इसी से, ठीक है ना। तो लेकिन हमें तो इसका यूज करना, माना क्या है, ये ना भी कहता तो भी हमें इसका यूज करना पड़ता। तो देखो A इनवर्स निकालना है तो पहले तो क्या करेंगे, A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है। तो 2 into -4 + 4 हो जाएगा, फिर माइनस आएगा लेकिन वो प्लस हो जाएगा। तो 3, 2 जा 6 और प्लस में 4, फिर प्लस 5, 3, 1 जा 3 और 2, 1 जा 2। तो ये तो 0 हो गया, ये -2 into 6 -6, ये 1 into 5, 5। तो क्या आ गया, -1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, A इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, एग्जिस्ट कर गया। तो इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट चाहिएंगे, कोफैक्टर चाहिएंगे। तो कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोफैक्टर्स
आर ए वन वन, ए वन वन। तो देखो ये क्या बने, बाहर प्लस आएगा तो इसका निकालेंगे हम लोग टू का। देखो फिर वही टू टू जा फोर, माइनस का और प्लस का फोर, माइनस का फोर और प्लस का फोर, क्या बन गया ये ओवरऑल जीरो। ए वन टू बाहर माइनस आएगा, इनटू में माइनस थ्री का निकालेंगे तो माइनस सिक्स प्लस में फोर, माइनस सिक्स प्लस में फोर, ओवरऑल क्या बन गया प्लस का टू। ए वन थ्री बाहर प्लस आएगा, ए वन थ्री फाइव का निकालेंगे, थ्री वन जा थ्री, टू वन जा टू, थ्री वन जा थ्री, टू वन जा टू, तो क्या आ गया प्लस वन आ गया। फिर हम लोग निकाल लेते हैं ए टू वन, ए टू वन निकालेंगे तो ये छोड़ने के बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, पहले तो बाहर माइनस, प्लस का सिक्स हो गया, प्लस सिक्स और माइनस फाइव, तो ओवरऑल क्या आ गया ये माइनस वन। ए टू टू निकाल लेंगे, टू का निकाल ये छोड़ने पे माइनस फोर माइनस फाइव, माइनस फोर क्या था, ए टू टू का निकाल रही ना, तो ये छोड़ने पे माइनस फोर माइनस फाइव, तो ओवरऑल क्या बन गया माइनस नाइन। ए टू थ्री, ए टू थ्री निकाल लेंगे माइनस फोर का, तो टू प्लस में थ्री, टू प्लस में थ्री, तो क्या आ गया माइनस फाइव आ गया। क्या निकाल लेंगे ए थ्री वन, ए थ्री वन मना इस एलिमेंट का निकालेंगे तो ये छोड़ दो, प्लस ट्वेल्व माइनस टेन, प्लस ट्वेल्व माइनस टेन, तो ओवरऑल प्लस टू। ए थ्री टू निकाल लेते हैं, ए थ्री टू ये छोड़ देंगे तो माइनस फोर माइनस फिफ्टीन, इसका निकाल रहे ना, ये छोड़ने पे माइनस एट और माइनस फिफ्टीन, ठीक है, तो बाहर तो क्या आएगा माइनस, तो ये आ गया था आपके पास माइनस एट माइनस फिफ्टीन, तो प्लस का ट्वेंटी थ्री हो गया ये। ए थ्री थ्री निकाल लेते हैं, बाहर प्लस आएगा, ए थ्री थ्री माना इसका निकालेंगे टू टू जा फोर प्लस में नाइन, फोर प्लस में नाइन, तो कितना आ गया थर्टीन। क्या निकालना है अभी, पहले इनवर्स निकालने से पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो क्या आएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो मैट्रिक्स क्या बन गई भाई, मैट्रिक्स आपके पास इससे क्या बन गई जीरो टू वन माइनस वन माइनस नाइन माइनस फाइव टू ट्वेंटी थ्री थर्टीन, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखो क्या बनेगी ट्रांसपोज के बाद, जीरो टू वन माइनस वन माइनस नाइन और माइनस फाइव टू ट्वेंटी थ्री थर्टीन, ये ट्रांसपोज होके आगे क्या निकालना है ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स वन बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो वन बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आया आपके पास, वो आ गया माइनस का वन, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ये माइनस का वन, और एडजॉइंट ऑफ ए जीरो माइनस वन टू टू माइनस नाइन ट्वेंटी थ्री वन
माइनस फाइव 13। इसको तो चल माइनस बाहर है, इसको तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। इससे कोई, क्योंकि नंबर होता तो उसको बाहर रख लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करने से नुकसान होता है, लेकिन माइनस हो तो उसको मल्टीप्लाई करने से अंदर फायदा होता है। तो इसलिए क्या करेंगे, इनके सबके साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि माइनस वन अंदर जा रहा है तो सबके साइन चेंज कर देगा वो, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास, देखो अब इनवर्स पूछा था तो ये आपके पास ए इनवर्स आ गया, पहला आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहा है, फिर उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो ये इक्वेशंस थी, इसको मैट्रिक्स लिखेंगे तो देखो यही मैट्रिक्स बनेगी, 2 - 3 - 5, 3 - 2 ऐसे ही है। बी एक्स मैट्रिक्स बन जाए एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स बन जाए 11 - 5 - 3, तो ये हमने लिख लिए हैं। अब देखो हमें इसको बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड से क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमें ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि कह रहा था ना यूजिंग ए इनवर्स हमने निकाल लिया ऑलरेडी, वो ये है हमारे पास, ठीक है ना। इसको लिख लेते हैं 0, 1 - 2 - 2, 9 - 23 - 1, 5 - 13, और बी मैट्रिक्स 11 - 5 - 3। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं हम लोग, ये एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 0 - 5 + 6 - 22 - 45 - 23 + 69 - 11 - 25 + 39। तो ये आपके पास x, y, z, ये क्या बन गया +1, ये तो आपके पास बन गया 67, और ये तो प्लस का 2 बच गया, ये बन गया आपके पास 36, तो ये प्लस का 3 बच गया। तो कंपेयर करेंगे, x तो आ गया 1, y आ गया 2 और z आ गया 3, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो 16 में कहता है द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑनियन, 3 किलोग्राम वीट एंड 2 किलोग्राम राइस इज ₹16। इन तीनों आइटम की जो कॉस्ट है ₹60। द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑनियन, 4 किलोग्राम वीट, 6 किलोग्राम राइस इज ₹19 की कॉस्ट ₹90। द कॉस्ट ऑफ 6 किलोग्राम ऑनियन, 2 किलोग्राम वीट एंड 3 किलोग्राम राइस इज ₹70। इन तीनों की ₹70। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर किलोग्राम बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से करना है तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन बनेगी। अब तीन आइटम है तो तीन वेरिएबल लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑनियन, 1 किलोग्राम बीट एंड 1 किलोग्राम राइस इज रुपीज एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। या पर किलोग्राम कह सकते थे इसको, 1 किलोग्राम लिखने की बजाय। तो देखो अब फर्स्ट इक्वेशन को देखो, कोऑर्डिनेट क्वेश्चन देखते हैं,
4 किलोग्राम ऑनियन, 3 व्हीट एंड और 2 किलोग्राम राइस है। तो देखो क्या करेंगे, इसमें 1 किलोग्राम के x रुपीज हैं, तो 4 किलोग्राम के 4x हो जाएंगे और 3 किलोग्राम व्हीट के 3y हो जाएंगे, 2 किलोग्राम राइस के 2z मना ये हो जाएंगे। टोटल मिला के उनकी कॉस्ट कितनी है तीनों आइटम की, रुपीज 60 है, तो 60 के इक्वल रख लेंगे। दूसरी कंडीशन में कहता है 2 किलोग्राम ऑनियन, 4 व्हीट एंड 6 राइस, तो क्या बनेगा ये 2x प्लस 4y और 6z, इन तीनों की कॉस्ट मिला के करे 90 रुपीज है। और फिर बाकी का जो थर्ड बच गया उसमें कहता है 6 किलोग्राम ऑनियन तो 6x, 2 किलोग्राम व्हीट तो 2y एंड 3 किलोग्राम राइस तो 3y, तीनों को मिला के कॉस्ट रुपीज 70, तो ये 70 के इक्वल आ जाएगा। इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, जैसे हमारे एक्सरसाइज के और क्वेश्चन थे वैसा ही क्वेश्चन हो गया अभी। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो उसी टाइप से कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो यहां पे ए मैट्रिक्स हो जाएगी आपके पास 4 3 2 2 4 6 6 2 3, और x मैट्रिक्स हो जाएगी 3 वेरिएबल x y z हो जाएगा, और b मैट्रिक्स हो जाएगी फिर 60 90 70। तो क्या करेंगे मैट्रिक्स मेथड का, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो देखो 4 4 3 12 और माइनस में 12, फिर माइनस आएगा माइनस 3 ये छोड़ देंगे, 3 2 6 और 6 6 36, फिर प्लस में 2 इंटू में ये छोड़ देंगे, 2 2 4 और 6 4 24, तो ये आ गया आपके पास, ये 0 हो गया, ये माइनस का 30 इंटू 3 तो प्लस के 19 30 बचा 3 से मल्टीप्लाई, ये माइनस 20 इंटू 2 तो ये माइनस के माइनस 20 इंटू 2 माइनस 40, तो क्या आ गया 50 आ गया, तो क्या नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो गया ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। एग्जिस्ट हो गया तो क्या क्या चाहिएगा, एडज्वाइंट चाहिएगा, एडज्वाइंट निकाल लेते हैं। देखो फिर a11 निकालेंगे, a11 को फैक्टर है ये ना, को फैक्टर्स आर a11 पहले क्या आएगा प्लस, तो 4 का निकालेंगे छोड़ने के बाद 4 3 12 और माइनस में 12 क्या बन गया 0 बन गया। a12 लेंगे तो देखो क्या करेंगे, 3 का निकालेंगे 3 2 6 6 6 36, बाहर माइनस आएगा 6 माइनस में 36 तो माइनस 30 बचेगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। a13 निकालेंगे माना 2 का, तो 2 2 4 बाहर क्या आना है प्लस आना है, तो 2 2 4 माइनस में 24 तो क्या बच गया माइनस 20 बच गया। अब निकालेंगे a21 क्या आएगा माइनस आएगा तो ये छोड़ देंगे 3 3 9 2 2 4 9 माइनस में 4 तो क्या बच गया माइनस का 5 आ गया। a22 निकाल लेते हैं तो इसका निकालेंगे 4 3 12 और 2 6 12 बाहर प्लस आएगा 12 माइनस 12 तो क्या बच गया 0 आ गया। a23 निकाल लेते हैं बाहर माइनस आएगा तो 6 का निकालेंगे 4 2 8 6 3 18 8 माइनस 18 तो -10 बाहर माइनस है तो +10 हो जाएगा। फिर निकाल लेते हैं a31 तो बाहर प्लस आएगा
सिक्स का निकालेंगे तो सिक्स थ्री जाए 18 और फोर टू जाए 8, तो कितना बच गया प्लस 10। ए थ्री टू का निकालेंगे तो ये देखो ये बचा 24 माइनस 4, बाहर माइनस आएगा 24 माइनस 4 तो 20, माइनस का 20 हो जाएगा। फिर क्या चाहिए, ए थ्री थ्री बाहर प्लस आएगा तो 3 का निकाल लेते हैं, इसका निकाले 4 जा 16, 3 जा 6, तो 4 जा 16 और 3 जा 6, तो ये भी कितना आ गया, ये भी 10 आ गया। तो एडजॉइंट निकाल लेंगे अब, तो एडजॉइंट क्या आएगा, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, है ना, जो हमने को फैक्टर निकाले उनसे ये मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये हमने को फैक्टर निकाले थे, ठीक है, 0 30, ये -20 -5 0 10 10 -20 और 10, ये आ गया हमारे पास। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो 0 30 -20 -5 0 10, वैसे से 10 -20 और 10, ये मैट्रिक्स आ गई। तो क्या निकालना हमें, इनवर्स चाहिए था ना, तो ए इनवर्स कैसे आएगा, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका डिटरमिनेंट जो हमने निकाला था वो 50 था, ठीक है, ये 50 हमने निकाला था इसका डिटरमिनेंट, तो ये हो गया 1 बाय 50, और एडजॉइंट हमने निकाला ही ऊपर लिखा 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 and 10। तो देखो अब क्या करना है हमें, बाय मैट्रिक्स मेथड क्या बनेगा, x = ए इनवर्स बी, एक्स मैट्रिक्स तो हमारे पास एक्स वाई जेड में है, वेरिएबल है एक्स वाई जेड, ए इनवर्स ये हमारे पास है 1 बाय 50 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 and 10, और बी मैट्रिक्स उनकी जो कोस थे 60 90 70 60 90 और 70। तो रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बाय 50 एज इट इज, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0  60 = 0 -450 और ये 700 हो जाएगा। तो नेक्स्ट करेंगे इसके इसके साथ 1800, इसके साथ 0 और इसके साथ -1400, फिर -20 की 60 से -1200, 10 के साथ 900 और फिर 10 के साथ 700। तो देखो ये बन गया आपके पास 1 बाय 50 एज इट इज, ये बन गया आपके पास देखो 250, ये 80, ये 400 बच गया, 16 - 12 तो 400 ये बच गया आपके पास। तो क्या करेंगे, इसको 50 से डिवाइड कर लेंगे, एक्स वाई जेड एज इट इज है तो 50 से डिवाइड किया, ये बच गया आपके पास 5 जा और 5 8 जा और 5 8 जा, तो x क्या आ गया, x आ गया आपके पास 5, y आ गया 8 और z आ गया वो भी 8। तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑनियन, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑनियन
इज रुपीज 5, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम, दूसरा क्या था व्हीट, इज रुपीज 8, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम राइस इज रुपीज 8, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा।